गाइस अपने घर के फैंस और उनके रेगुलेटर्स को उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ क्रॉम्पटन का एनर्जी ऑन हाइपरजेट फैन। तो गाइस ये एक काफी तगड़ा फैन है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। और गाइस ये एक डीसी मोटर फैन है, यानी कि ये काफी ज्यादा आप लोगों के करंट के कंजप्शन को कम कर देगा। और डीसी का मतलब डायरेक्ट कैपेसिटर्स नहीं, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट फैन है ये। तो गाइस चलिए जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलती है। चलिए इसके बॉक्स को खोलते हैं। सो गाइस ये हमें इसका बॉक्स मिल जाता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी ऑन हाइपरजेट और यहाँ पे क्रॉम्पटन लिखा हुआ मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज बाईपास रेगुलेटर्स। तो आप लोगों को रेगुलेटर्स से बाईपास करके से यूज करना है। तो रेगुलेटर आपको इसके साथ यूज करने की जरूरत नहीं है, कि इसमें आप लोगों को सब कुछ खुद ही एडजस्टेबल मिलता है। आप लोगों को इसके साथ एक रिमोट मिलेगा, उससे आप लोग सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। तो गाइस इसको यहाँ पर हमने खोल लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर तीन बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिसमें से एक तो मुझे खाली दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर इसका एक रिमोट रखा हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक रिमोट मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर इसके कुछ कवर वगैरह रखे हुए हैं, जैसे ऊपर लगते हैं कवर वो हैं। और यहाँ पर कुछ इसके अटैचमेंट्स रखे हुए हैं जिससे लगेगा, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं अटैचमेंट्स में। और गाइस इसकी रॉड यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे, हो सकता है कहीं और पड़ी हो, लेकिन इसमें ये खाली है जिसपे ये टंगता है वाली रॉड। और गाइस यहाँ बीच में देखते हैं क्या है। तो गाइस इसके बीच के बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं ये हमें फ़ैन के बीच का हिस्सा मिल जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देता हूँ। ये हमें कुछ बीच का हिस्सा मिलता है इसका, देख सकते हैं आप लोग छोटा सा है काफ़ी। और ये डीसी फ़ैन है आप, और ये 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलता है आप लोगों को फ़ैन, तो काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर ये अटैचमेंट है इसका कोई, यहाँ पर ये ऊपर कुछ मोटर वोटर टाइप की लगी हुई है, सब सर्किट बना रखा है बहुत भयंकर से हमने। तो यहाँ पर भी हम इसके कनेक्शन भी करके आपको दिखाएंगे, सब इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे यहाँ पर, और उसको बाद में हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। पहले हम आपको इसका सारा सामान दिखा देते हैं। तो इस वाले बॉक्स में सिर्फ यही रखा हुआ है, तो ये सब मैं साइड में कर देता हूँ। इन सबको हटाने के बाद यहाँ नीचे हमें इसका एक मैनुअल मिलता है, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको दिखा ज़रूर सकते हैं मैनुअल। तो ये आप देख सकते हैं कोई इस टाइप का यहाँ पर आपको मैनुअल मिलता है। यहाँ पर इसके रिमोट के फीचर्स लिखे हुए सारे, और पीछे बस यहाँ पर वारंटी वगैरह का लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोगों को 3 साल की वारंटी मिलती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हाथ वाथ आपको मेरे लाल लाल दिखाई दे रहे होंगे, तो फिर कल होली थी इस वजह से मैं पूरा लाल हो चुका हूँ, पक्के रंग से होली हो गई थी थोड़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप का यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है, ये सब मैं साइड में कर देता हूँ अब। और गाइस ये जो हमारी रॉड जो नहीं दिखाई दे रही थी वो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप, पूरा हमने ब्राउन कलर मंगाया था तो सब ब्राउन कलर में आया है। गाइस ये इसका कुछ है बॉक्स, इसको भी हम खोल लेते हैं। तो इसमें हमारे फ़ैन के जो साइड में पर टाइप के लगे होते हैं वो रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये भी मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके हमारे पर हैं सारे साइड के, एकदम बढ़िया चिकने आए हैं एकदम। और ये देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप के हैं, ये मुझे लगा निशान लगा हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप के आप लोगों को मिल जाते हैं, तो ये इसमें हमारे बीच के हिस्से से अटैच होंगे। तो ये सब भी हम आपको कर दिखाएंगे किस तरीके से हो रहे हैं अटैच, इस तरीके से कुछ लग जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस अभी हम इस फैन को आप लोगों को असेंबल करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस ये आप लोगों को 35 वॉट्स का फैन मिलता है, यानी कि ये मैक्सिमम जो यूसेज लेगा आपका वो 35 वॉट्स का लेगा अपने हाइपर मोड पे। तो मैं आपको इसका रिमोट में इसका हाइपर मोड भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये रिमोट है, इसको मैं इसकी पन्नी से बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये इसका रिमोट है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 5 टाइप के इसमें मोड मिल जाते हैं स्पीड के। तो इसमें आप लोग 5 तरीके से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप लोगों को इसमें एक हाइपर मोड मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग इसकी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये अपने हाइपर मोड पे 35 वॉट्स का कंजम्पशन लेगा हाईएस्ट। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को इसमें टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कि 1 आवर में बंद हो जाए, 2 आवर में बंद हो जाए, 3 आवर में, 4 आवर में, तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और स्लीप मोड अभी मुझे नहीं पता है, ये मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफ करने का बटन मिल जाता है, एक ऑन करने का बटन मिल जाता है। वैसे हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं है, हम तो एलेक्सा से ही सब कुछ ऑन ऑफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और आप लोगों को इसमें स्पीड एडजस्टमेंट मिल जाती है। और गाइस जो आप लोगों को इस फैन का मैक्सिमम आरपीएम मिलता है वो आप लोगों को 340 मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। गाइज हमने इसकी असेंबलिंग शुरू कर दी है, और इसके साइड के विंग्स हमने यहाँ पर सबसे पहले अटैच करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने इसके स्क्रूज लगा दिए हैं, और अब हम इसे कस रहे हैं। तो इसके सारे विंग्स हमने कस लिए हैं, तो हम सीधा वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे विंग्स एकदम बढ़िया से अटैच हो चुके हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है इसके सारे विंग्स अटैच होने के बाद। मैं आप लोगों को इसे ऊपर उठा के दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो वहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरा पुराना फैन लगा हुआ है, और ये नया वाला है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अब हमने इसकी असेंबलिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला अटैचमेंट था, हमने इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर हमने अपना फ़ैन भी अटैच कर दिया है। सो गाइस तो यहाँ पर हमारे फ़ैन का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आप लोगों को इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका स्विच है, तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो ये बीप की साउंड करेगा। तो गाइस ये ऑन करने पे भी बीप की साउंड करता है, और जब मैं इसे ऑफ करूँगा तब भी ये बीप की साउंड करेगा। तो ये थोड़ी लंबी साउंड करता है जब ये इसे ऑफ करते हैं। तो अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ,
तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑन करने के बाद भी ऑन नहीं हुआ है क्योंकि ये अपने रिमोट से ऑन होगा। तो यहाँ पर इसका रिमोट है मेरे हाथ में, तो ये आप देख सकते हैं रिमोट है इसका, तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब मैं कर देता हूँ इसे ऑन, तो जैसे ही मैं ऑन बटन दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा। और यहाँ स्पीड एडजस्टमेंट है यहाँ पे हमारे, तो ये अभी नॉर्मल चल रहा है और ये बिल्कुल साउंडलेस चलता है, इसमें कोई भी साउंड वगैरह नहीं आती है हवा के साउंड को छोड़ के, क्योंकि ये BLDC फ़ैन है इसलिए इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारा फ़ैन चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी इसके सेकंड मोड पे चलाता हूँ तो आप इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फर्स्ट पे चलाऊंगा तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, और जब मैं इसे 5 पे चलाऊंगा तो इसकी स्पीड फुल हो जाएगी, और फुल से ऊपर भी आप लोग इसकी स्पीड ले जा सकते हैं इसके हाइपर मोड की मदद से। तो जब मैं इसका हाइपर मोड चलाऊंगा तो इसकी स्पीड फुल हो जाएगी, मतलब जितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड है उस पर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस फैन को। गाइस यहाँ पर ये टाइम एडजस्टमेंट है जिससे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, इसे मैंने ट्राई कर लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप सब नॉर्मल टाइम पे अपने आप ही ऑफ हो जाता है। और गाइस यहाँ पर ये ऑन ऑफ बटन है तो मैं ऑफ करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको इसे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पर रुकने वाला है, मतलब ऑफ हो चुका है ये। तो गाइस हम वापस ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर जो ये स्लीप मोड था इसका, ये मैंने ऑन कर दिया इसे, थोड़ी देर में स्टार्ट होता है ये। तो गाइस ये जो स्लीप मोड है इसके रिमोट में, ये आप लोग रात में सोते समय लगा सकते हैं, तो सोते समय जब आप इसे चलाएंगे तो इसकी स्पीड फुल होगी और धीरे धीरे करके इसकी स्पीड अपने आप ही कम होती रहेगी टाइम के हिसाब से। तो 1-2 घंटे बाद अपने आप स्पीड गिरती रहती है और उसके बाद ये थोड़े टाइम बाद बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो ये रात के हिसाब से है, तो रात को जैसे कि ठंड बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया फ़ैन मिल जाता है, काफ़ी तेज़ इसकी स्पीड है। गाइज ये फैन इस समय अपने हाइपर मोड पे चल रहा है और अब मैं इसकी स्पीड टेस्ट करने जा रहा हूँ इस मोर पंख की मदद से। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैं इसके सामने लाया तो ये किस तरीके से हिल रहा है बहुत तेज़। तो मैं इसके नीचे ही रहा हूँ बिल्कुल, और मैं अपना हाथ बिल्कुल नहीं हिला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं अपने आप ही हिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी तेज़ है। तो काफ़ी बढ़िया स्पीड है इसकी और काफ़ी बढ़िया आप लोगों को ये फ़ैन मिल जाता है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है। रिमोट भी आप लोगों को इसका बहुत हाई क्वालिटी का बढ़िया मिल जाता है, एकदम प्रीमियम सा लगता है, बढ़िया एकदम। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये फ़ैन परचेज़ करना हो तो इसका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइज यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।